तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि वी हैव टू ब्रॉट अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट से ए, ए पे हमें लाना है और इन्फिनिटी से लाना है चार्ज को, ठीक है। तो किसी इन्फिनिटी से हम प्लान कर रहे हैं इस पे एक चार्ज लाने की पॉइंट ए पे, और हमें जानना है कि वर्क क्या होगा, या यूं कहें जो भी वर्क करेंगे वो केयर करेगी फील्ड, क्योंकि कंजर्वेटिव है वो, उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इस बार चार्ज को जब इंफिनिटी से ले आएंगे तो ए पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ये कौन डेवलप कर रहा होगा पोटेंशियल? जो पहले से एग्जिस्टिंग फील्ड है, जो ये एग्जिस्टिंग फील्ड है ये क्या कर रही होगी, यहाँ पे तमाम पोटेंशियल डेवलप कर रही होगी। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए जो परपेंडिकुलर होंगे इसके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर होंगे। और हम लोग जानते हैं जैसे जैसे फील्ड की तरफ जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करता है, अब फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमने कहा कि इस बार इंफिनिटी से जब चार्ज को ले आएंगे इस पॉइंट ए पे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले से उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जो एक पोटेंशियल सेटअप करके रखी है। तो हमने मान लिया कि लेट पॉइंट ए का पोटेंशियल जो है, लेट पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज वी ए, है ना, वी ए मान लिया, दस वर्क डन टू ब्रिंगिंग या ब्रिंगिंग क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। और यही क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये डब्ल्यू ई एक्स टी है, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन वन वाली है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा डेल्टा यू, या यू कहे यू जो हो जाएगा वो डब्ल्यू ई एक्स टी के इक्वल हो जाएगा। अब वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इंटू वी ए, वी ए कॉन्स्टेंट होगा दिया रहेगा, है ना। तो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड चार्ज, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग डाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, छोटा कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जब हमने प्लान किया कि Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लाएंगे तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या ए का कोई पोटेंशियल है कि नहीं है। तो ऑफ कोर्स ए का पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी हुई है, और अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी हुई है तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने पे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट इज अ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। तो हमने कहा लेट पोटेंशियल ऑफ ए इज, लेट पोटेंशियल ऑफ ए, है ना, इज क्या हो जाएगा, वी से आर वन हो जाएगा। ए का पोटेंशियल हमने मान लिया कि आर वन पॉइंट पे कुछ भी पोटेंशियल होगा, वी आर वन मान लिया, दस वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज, इस चार्ज क्यू वन को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में, सपोज ये इन्फिनिटी है, क्यू वन को इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो दस वर्क डन टू ब्रिंगिंग क्यू वन फ्रॉम इन्फिनिटी टू
पॉइंट ए, तो फिर वैसे ही होगा, फिर डब्ल्यू वन है तो डब्ल्यू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज जो ले आ रहे हैं और पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट वी आर वन मान लिया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप वर्क। और क्या काम बचा हमारे पास, हमारे पास काम बचा है कि अब क्यू टू को भी इन्फिनिटी से ले आना है, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ये हमारे पास काम बचा हुआ है। लेकिन हमें पता है कि पॉइंट बी पे अगर हम प्लान कर रहे हैं चार्ज को लाने के लिए, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, तो हमने कहा कि जो एग्जिस्टिंग फील्ड है वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल डेवलप कर रही है, साथ में जो ये सोर्स चार्ज यहाँ पे क्यू वन आ चुका है ये भी क्या करेगा, ये चार्ज यहाँ पे जब आया तो ये भी चार्ज क्या करेगा, पोटेंशियल डेवलप करेगा, किस पॉइंट पे, उस पॉइंट बी पे। तो हम कहेंगे कि अब जो पोटेंशियल होगा इन दोनों फील्ड के द्वारा और जो सोर्स चार्ज हो गया है क्यू वन हो गया उसके द्वारा, दोनों के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप किया जाएगा। तो हम कहेंगे पहले बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं, तो नाउ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, पोटेंशियल ऑफ बी क्या हो जाएगा, वी बी हम लिख दे रहे हैं, तो वी बी इज, या वी आर टू लिख दे रहे हैं ना, वी बी लिख रहे हैं, चलो वी बी। तो हम कहेंगे वी आर टू दैट इज द पोटेंशियल डेवलप बाय द फील्ड और प्लस पोटेंशियल डेवलप बाय द सोर्स चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये वन और टू के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आर वन टू, दैट इज आर वन टू, ठीक है। तो ये पोटेंशियल हो गया पॉइंट बी का, नेट पोटेंशियल हो गया जो फील्ड डेवलप कर रही है एज वेल एज जो हमारा चार्ज आ गया है वो भी वहां पे डेवलप कर रहा है, तो दैट इज अ नेट पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी। नाउ अब हम जो ये चार्ज हमारे पास है क्यू टू चार्ज है, इसको अब हमें यहां से ले आना है, तो ले आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, तो हम लिखेंगे वर्क डन, वर्क डन टू ब्रिंगिंग क्यू टू फ्रॉम इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, तो स्टे दैट इज डब्ल्यू टू, तो डब्ल्यू टू कितना हो जाएगा, क्यू टू इंटू पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी, दैट मीन्स क्यू टू इंटू वी आर टू वट एवर द पोटेंशियल डेवलप बाई द फील्ड अप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन आर वन टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट इज क्यू टू वी आर टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू, ठीक है। अब पोटेंशियल जो हमने सिस्टम असेंबल किया या सिस्टम जो हमने बनाया है, उस सिस्टम को बनाने में टोटल वर्क कितना करना पड़ा, तो हम कहेंगे दोनों वर्क को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जितना हमने टोटल वर्क किया हमारी एनर्जी एसोसिएट हुई फील्ड में, टोटल वर्क को ऐड कर लेते तो वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, डब्ल्यू वन हमें पता था क्यू वन इंटू वी आर वन था, क्यू वन इंटू वी आर वन वेक्टर प्लस दूसरा आया क्यू टू इंटू वी आर टू अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू, तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको डिराइव करना था। आई थिंक लॉजिकली काफी आसान है चीजों को अगर सही से आप देख रहे हैं तो, ठीक, तो हम नोट कर लीजिए।